और भव्य एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हुआ है, उनसे सबसे पहले मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद हैं और साथ ही मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जैसे ही इस एक्सप्रेसवे से गुजर रहा था, यहां का मुआयना भी पीएम मोदी करने वाले हैं। इस एक्सप्रेसवे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे में पीएम मोदी चलने भी वाले हैं और जो श्रमिक वहां पर मौजूद हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है देश के पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे देश को बना के देने का, उनसे मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और आपको बता दें जैसे ही आज से ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो जाएगा, ये आम जनता के लिए खुल जाएगा। ऐसे में जो लोग कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहते थे, जिन्हें दिल्ली से गुरुग्राम जाना होता था, आज से उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। 19 किलोमीटर लंबे पहले चरण की ये शुरुआत अब हो चुकी है, जहां पर खेड़की दौला टोल तक यातायात की जो मुश्किलें हैं वो खत्म हो जाएंगी। पहले चरण की आपको बता रहे हैं, साथ ही सिर्फ 25 मिनट में दिल्ली से आप गुरुग्राम पहुंच जाएंगे, जहां पर 3 से 4 घंटे का वक्त लगता था ट्रैफिक की वजह से। अब देखिए आप महज 25 मिनट के अंदर दिल्ली से गुरुग्राम ट्रैवल कर सकेंगे। पहले चरण में द्वारका एक्सप्रेसवे की ये पूरा जो बनकर के तैयार हुआ है 9 करोड़ इसकी बताई जा रही है। एक्सप्रेसवे में 2 लाख और एफएल टावर के मुकाबले 30 गुना अधिक स्टिल ये है। प्रोजेक्ट में 20 लाख सीयूमी कॉन्क्रीट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो खासियत है इस द्वारका एक्सप्रेसवे की वो हम आपको बता रहे हैं। एक्सप्रेसवे का 4 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड भी है। रोज 12 लाख वाहनों के गुजरने की उम्मीद यहां से जताई जा रही है। NH8 का करीब 50% ट्रैफिक अब खत्म हो जाएगा। सिर्फ 25 मिनट के अंदर दिल्ली से गुरुग्राम जो जनता है वो ट्रैवल कर सकेगी। 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बन करके तैयार, सिंगल पिलर पर 8 लेन। पहले चरण में खेड़की दौला टोल तक पूरा काफिला आप देख सकते हैं यहां से गए हैं और ये प्रधानमंत्री ने लोगों से मुलाकात करी जिन श्रमिकों ने इस पूरे एक्सप्रेस वे को बनाया है। ये देखिए आप प्रधानमंत्री की तस्वीर, वो पैदल जाते हुए उन श्रमिकों से मिले और उसके बाद में वो अपनी गाड़ी की तरफ गए। यानी कि जितने भी श्रमिक यहाँ खड़े हुए थे जिनकी संख्या 150 से 200 थी, उन तमाम लोगों से वो मिले हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। ये द्वारका एक्सप्रेस वे की उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री ने श्रमिक से मुलाकात की। ये वो तमाम लोग जो इस एक्सप्रेस वे को बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे थे और ये सामने अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री काफी देर तक इन लोगों के साथ रुके और इन लोगों से मिलकर इस द्वारका एक्सप्रेसवे से आगे की तरफ बढ़े। और राहत की आप जानकारी ले लीजिए कि कितनी बड़ी राहत दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले लोगों को है। और इसी तस्वीर के साथ आप देखिए कि प्रधानमंत्री का काफिला और प्रधानमंत्री की गाड़ी और साथ में प्रधानमंत्री की वो तस्वीर जब वो द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहुंचे थे और श्रमिकों से उन्होंने मुलाकात की।